दोस्तों सैमसंग ने अपनी सक्सेसफुल ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के बाद यहाँ पे एक नई सीरीज़ एफ सीरीज़ को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है जो कि फुल ऑन सीरीज़ है। साथ ही साथ एक नया यहाँ पे डिवाइस स्पेक हुआ है, वो है गैलेक्सी एम प्राइम। तो हाँ दोस्तों, ये वो दो नए फ़ोन हैं जो आने वाले दिनों में सैमसंग यहाँ लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट सैमसंग F41 जो है वो 8 अक्टूबर को यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिवली लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एम सीरीज़ है वो अमेज़न प्राइम पे आने वाली है, उसकी अभी तक आधिकारिक सूचनाएं नहीं आई हैं बस, बट अराउंड मुझे लगता है 20 अक्टूबर के आसपास ये लॉन्च होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन दोनों डिवाइस में क्या खास है, क्या प्राइस पॉइंट में आएंगे और किस समय ये अवेलेबल होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मो गेम टेक में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन गेमिंग और टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैसे आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से सैमसंग बहुत ही एग्रेसिव हो गया है अपने नए नए डिवाइस को यहाँ पे लॉन्च करने में। आपने M51 देखा है, M31 देखा है, M31S देखा है, ए सीरीज़ के कुछ फ़ोन देखे हैं जैसे अभी आने वाला एक्सपेक्टेड सीरीज़ है A72, A51S। ये फ़ोन अभी तक सैमसंग ने ऑफिशियल नहीं किए हैं बट ये इन लाइनअप है। तो अभी दोस्तों जो आज का मेरा डिवाइस है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बेसिकली इन सब सीरीज़ के बाद सैमसंग ने एक नई सीरीज इंट्रोड्यूस करी है जो कि है एफ सीरीज। तो हम ये देखेंगे आज के इस वीडियो में कि F41 आपको किस प्राइस पॉइंट में सैमसंग क्या क्या देने वाला, साथ ही साथ गैलेक्सी एम प्राइम जो एक नया यहाँ पे हैंडसेट स्पॉट हुआ है वो हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या खास आने वाला है, किस प्राइस पॉइंट में आएगा और क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर सैमसंग आपको दे रहा है विथ किस प्राइस रेंज में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे फुल ऑन सीरीज का मैं आपको बता दूँ तो ये एफ सीरीज को डिनोट करती है और F41 इसका एक हैंडसेट है। दोस्तों सैमसंग इस फोन को यहाँ पे 6GB वेरिएंट के साथ लॉन्च करने वाला है जो कि सैमसंग के जायनोस 9 ऑक्टाकोर 9611 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहने वाला है, साथ ही साथ 6000mAh की बैटरी रहने वाली है और 6.4 इंचेस का यहाँ पे यू इन्फिनिटी वाला डिस्प्ले रहने वाला है। ये October 8 को ऑफिशियल हो जाएगा, फ्लिपकार्ट इंडिया की वेबसाइट से आप इसे परचेस कर सकते हैं। Android 10 के साथ ये फोन आने वाला है, सैमसंग One UI के साथ आने वाला है और हाइब्रिड सिम स्लॉट रहने वाला है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले यदि देखते हैं तो 6.4 इंचेस का 403 PPI जो कि वेरी शार्प है, वाटर ड्रॉप यू नॉच के साथ ये सुपर एमोलेड आने वाला है जिसपे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो ऑक्टाकोर 2.3 GHz का क्वाड कोर होने वाला है जो कि कॉर्टेक्स A73 पे काम करने वाला है, जिसमें माली G72 का आपको GPU को सपोर्ट मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ कैमराज हम देख लेते हैं तो 64MP का मेन यूनिट रहने वाला है, 8MP का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ पे आपको मिलने वाला है जो कि 5MP डेप्थ कैमरा के साथ भी आएगा। साथ ही साथ यदि यहाँ पे LED फ्लैश आप देखते हैं, साथ ही साथ डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, बहुत सारे मोड यहाँ पे मिलते हैं। सामने वाला कैमरा जो है फ्रंट कैमरा 32MP का सुपर कैमरा है जो कि बहुत ही अच्छा फोटो लेने के लिए कैपेबल है। 6000mAh की बैटरी है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, वो है 15W का। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि जो यहाँ का प्राइस रेंज बताया गया है वो ये बताया गया है कि सैमसंग इसको 16,000 के आसपास यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, जो कि बहुत ही स्ट्राइकिंग है दोस्तों। देखने यदि 16,000 के आसपास इस फोन को लॉन्च किया जाता है तो बहुत ही अच्छी ये डील आपके लिए साबित हो सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम एम सीरीज़ के एम प्राइम की तरह, जो कि मेगा स्पेसिफिकेशन के लिए जाना जाता है। तो जो सबसे पहला इसका स्पेसिफिकेशन है वो है इसका मेगा स्नैप्स। जी हाँ दोस्तों, ये कैमरा आपको 64MP के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है जो कि 64MP का मेन यूनिट, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का मैक्रो, 5MP का डेप्थ सेंसर के साथ ये फ़ोन आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी खूब है, बहुत ही स्टनिंग डिटेल्स वाली एक फोटो कैप्चर करने वाला है और बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट व्यू में सैमसंग यहाँ पे क्वाड कैमरा लाने वाला है। साथ ही साथ यदि हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, 32MP का फ्रंट कैमरा होने वाला है जो कि स्लो मोशन भी सपोर्ट करेगा और 4K रिकॉर्डिंग भी AR डूडल और AR इमोजी के सपोर्ट के साथ ये फोन आने वाला है। यदि इन टर्म्स ऑफ बैटरी हम देखते हैं तो 6000mAh का बैटरी है जो कि बहुत ही हैवी बैटरी यहाँ पे सैमसंग अपने फोन्स में दे रहा है, जो कि आप वाईफाई पे यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियो प्ले टाइम भी बढ़ा सकते हैं इसमें, देख सकते हैं म्यूजिक प्लेबैक भी टाइम आपका बहुत लंबा रहेगा। साथ ही साथ ये 15W की टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ ये आने वाला है। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी देखें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बैक में दिया है, फेस अनलॉकिंग का इसमें फीचर दिया है, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वर्चुअल लाइट सेंसिंग, बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी सैमसंग ने यहाँ पे यूज़ करी है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देखें तो सेम प्रोसेसर जो है 41 में है वो यहाँ पे दिया गया है, सैमसंग का अपना खुद का मीडियोकर सैमसंग जायनोस 9611 प्रोसेसर जो कि 2.3 GHz के कॉर्टेक्स A73 पे काम करता है, जिसका माली G72 GPU के साथ आने वाला है। इसमें डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिल
मिलने वाला है जो कि अप टू 512 GB मतलब 512 GB तक सपोर्ट करेगा। ये 64 GB और 128 GB दो रोम वेरिएंट ऑप्शन में आने वाला है। और इसमें जो LPDDR4/3 रैम का यहाँ पे यूज़ किया है जो कि 6 GB रैम एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके साथ ये फ़ोन आएगा। डुअल वोल्टी डुअल आपके साथ डुअल सिम का यहाँ पे सपोर्ट सैमसंग देने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ें हैं यहाँ पे इस फ़ोन के बारे में, एम प्राइम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है इसकी लगभग F41 के साथ मेल खाती है। अभी प्राइस पॉइंट यदि हम देखते हैं तो जहाँ पे F41 यहाँ पे बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि अराउंड 16,000 के आसपास आएगा। यहाँ पे खाली एक कैमरे का डिफरेंस है तो मुझे लगता है ये भी सैमसंग कुछ अंडर 20,000 के आसपास ये फ़ोन को यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। तो बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ है दोस्तों, देखते हैं आपको कौन सा फ़ोन इनमें से पसंद आया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो किस फोन के ऊपर चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।